इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव हरिकृष्ण शांडिल ने प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अपील की है कि हिमाचल में एक बार फिर 15 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में लोगों के कोरोना संक्रमित होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ये बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों में प्रदेश में ना के बराबर कोरोना के मरीज थे और वहीं इन दिनों राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। जैसा कि वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा हिमाचल प्रदेश के अंदर दिन प्रतिदिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वह हिमाचल प्रदेश के अंदर पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करे, अन्यथा आने वाले समय में इस महामारी से कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि वर्तमान में अभी एक आदमी दिल्ली से आया और उसके द्वारा सचिवालय और महाधिवक्ता कार्यालय के अंदर कम से कम 10 से 12 लोग संक्रमित पाए गए, इसी तरह से ना जाने देश के अंदर यह महामारी कितने लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है और आने वाले समय में कितने लोग संक्रमित पाए जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो बाहर के राज्य से नागरिक आ रहे हैं उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और हिमाचल प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जाए, अन्यथा यह महामारी अपना विराट रूप ले रही है, दिन प्रतिदिन यहाँ की संख्या बढ़ती जा रही है। और साथ ही मेरा सभी हिमाचल वासियों से निवेदन है कि वह इस महामारी के दौरान प्रशासन द्वारा दिए गए नियमों की पालना करें, मुंह पर मास्क बनाए रखें और साथ में सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखें, बिना वजह अपने घर से कोई भी व्यक्ति ना निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।